अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन, सेफ एंड सिक्योर एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव दिस वेकेशन वर्क एट योर होम्स। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर सेकेंड मैथ लेक्चर। हेयर इज़ अ वर्क, काउंट डाउन मैथ, पेज नंबर 70-71। ठीक है, आज हम पेज नंबर 70 और 71 की प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ ही आज हमारा कॉपी वर्क है, सॉल्व दिस सम्स ऑफ एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला वर्क करेंगे। अपनी बुक्स खोल लीजिए सब बच्चे मेरे साथ, काउंट डाउन की पेज नंबर 70 और 71। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 70, यू कैन सी पेज नंबर 70, और इसके साथ ही हमारा पेज नंबर 71। हमने क्या करना है, हमने इनको ट्रेस करना है। जैसा कि एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ऊपर 61। ठीक है, इस तरह से आपने इन सब लाइंस को ट्रेस करना है जिस तरह से लिखी गई हैं। कंप्लीट पेज आप जो है वो खुद से प्रैक्टिस करेंगे, इसी खुद से लिखेंगे। पेज नंबर 70 के साथ ही है पेज नंबर 71। ये टू पेजेस आपके होमवर्क हैं, आपने इसे खुद से ट्रेस करना है, खुद से लिखना है, बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ऊपर प्यारा प्यारा लिखना है, और साथ साथ आपने काउंटिंग भी रीड आउट करनी है। 61 है, 61 पढ़ते जाना है आपने। 62 लिख रहे हैं तो 62 पढ़ते जाना है आपने, फिर 63 पढ़ते जाना है। इसी तरह से आपने अपनी 70 तक काउंटिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा गौहर इंग्लिश का मैथमेटिक्स की बुक का जो काम हो गया है। ठीक है, इसके साथ हम अपने कॉपी वर्क की तरफ आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 70 और 71 हमने कर लिया है। अब है हमारे सॉल्व दिस सम्स ऑफ एडिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हैं एडिशंस के, मैं आपको एडिशन करना सिखाऊंगी, लेकिन एक एग्जांपल के जरिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिशन के क्वेश्चन हैं हमारे पास। सबसे पहले आपको जानना होगा कि एडिशन का मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशन मीन्स टू ऐड नंबर। एडिशन का मतलब है नंबर्स को ऐड करना, यानी कि उनको जमा करना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं 6 है और 3 है। ठीक है, इसके साथ ही 6 के साथ क्या होता है, साइन है प्लस का, इसका मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, अब 6 है तो आपने यहाँ पर 6 डॉट्स लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, एंड व्हाट इज़ द वर्ड हेयर, इट्स 3, 1, 2, 3। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इन सब डॉट्स को काउंट करना है। काउंट करें मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, ये हमने कर दिया है इसको ऐड। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 5 है, हमने 5 डॉट्स लगाने हैं और फिर 2 डॉट्स लगाने हैं, उनको काउंट करना है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2। ओके स्टूडेंट्स, काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, क्या आंसर आया हमारा, 7। हम यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, ये होता है प्लस करना, ये होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है आपने नंबर्स को काउंट करना है, दोनों नंबर्स को काउंट करके जो उनका आंसर आएगा वो आपने इस बॉक्स में लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहाँ पर एक ज़ीरो का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ। देखें, जब हमारे पास 6 है तो हमने 6 डॉट्स लगा लिए। ठीक है, लेकिन ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं, तो 6 में कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब है कि 6 में कुछ भी ऐड नहीं करना। तो 6 में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 अगेन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये बाकी क्वेश्चन जो हैं ये आपने खुद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी एक्टिविटी के थ्रू करवाए हैं वो यही वाले क्वेश्चन हैं। आपने इनको द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आप अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे, खुद अपनी मामा की हेल्प से करेंगे और आप खुद करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है और इनकी बार बार अपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।